नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि माता रानी की कृपा और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के समय को बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। इस बात को कहा जाता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के समय में माता रानी की पूजा अर्चना करता है, ऐसे व्यक्ति को माता रानी का आशीर्वाद बहुत जल्दी प्राप्त होता है। लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी कहा जाता है कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में नवरात्रि के समय राशि अनुसार उपाय करता है, तब ऐसा करने से उस व्यक्ति को माता रानी की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। दोस्तों, अपनी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार वृषभ राशि के जातकों को नवरात्रि के समय कौन से उपाय करने चाहिए और किस प्रकार से माता रानी की पूजा करनी चाहिए, जिससे वृषभ राशि के जातक अपने जीवन में खुशियों को आकर्षित कर सकें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जय माता दी लिख करके इस वीडियो को एक लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे सभी लोगों को माता रानी की कृपा प्राप्त हो और आप लोगों को भी पुण्य की प्राप्ति हो। आप लोगों को नवरात्रि के दौरान इस छोटे से उपाय को करना है। दोस्तों, स्फटिक की माला मंत्र जाप करने के लिए बहुत अच्छी और उत्तम मानी जाती है। अगर आप लोग वृषभ राशि के जातक है, तब आप लोगों को नवरात्रि के समय स्फटिक की माला से सर्ववाधा देवी मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर वृषभ राशि के जातक नवरात्रि के समय में स्फटिक की माला से सर्ववाधा देवी मंत्र का जाप करते हैं, तब ऐसा करने से वृषभ राशि के जातकों से सभी प्रकार की दिक्कत और मुसीबतें अपने आप ही दूर होने लगती है, क्योंकि सर्ववाधा मंत्र माता रानी का सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। अगर वृषभ राशि के जातक नवरात्रि के अवसर पर इस मंत्र का जाप करते हैं, तब उन्हें अपने जीवन में कई प्रकार की खुशियां देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ वृषभ राशि के जातकों को नवरात्रि के समय पर माता रानी को सफेद बर्फी एवं मिश्री का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा वृषभ राशि के जातकों पर बहुत जल्दी होती है और उन्हें उनके जीवन में कई प्रकार की खुशियां प्राप्त होती है।